तो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं माई बंगाराम जात्रा बोरे के कुर्सी घाट में किस तरह से होता है। आखिर 42 वर्ष बाद पीला पाट आंगा देव को आम गांव से कुर्सी घाट जात्रा में क्यों लेके जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। जसने मन में आखे करके देखा सोचने आखे करके खंड में फोटार के लेट बेटा बाद में जानू कि सही है मोर का ये नुमे पतिया हूँ बंगारा माइन जैसे हो जैसे हम लोग डूमा डाना जाएं आज जा करके जैसे राज पाक काज के लिए पत्ता लम खून की आवाज खेले अब नया हुई 12-13 तारीख के भगवान ने सुनने 42 वर्ष का परेश ने बुलावा था नना नाटा पाला सुने हाले नु का तीन वाला तो हाले हरि तीन वाला तो नाव का चंपड़ घरे तक खरे बने मात तो यहां से आप लोग कहां जा रहे हो? ये मेरा नाम घसेराम नेताम है जी। लगभग 42 साल करीब इस आंगा देवता का झगड़ा के चलते बोराई घाट में जाना बंद हुआ था। कुछ कारणवश इसकी मम्मी महा के यहाँ का जो लटास था उसी के चलते घाट वालों ने ब्रेक लगाया है। जब तक बाबू नहीं आएगा तब तक रवानगी नहीं करूँगा बोला है। मैं इसीलिए मेरा इष्ट देवता से यही आशा करता हूँ उस लिंग को आज की वो घाट यात्रा में सफल करके मुझे घर में लाए। इससे मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इसे नमन करके कह रहा हूँ, मेरे को पूर्वजों को भी नमन कर रहा हूँ कि वो आज मुझे साथ दें और सही सलामत मुझे घर पहुँचाएँ। यहाँ के साथ साथ लिया गांव का रवानी भी इसी के द्वारा बोराई घाट तक लिया जाता है। आज मुझे सौभाग्य मिला है। इस लड़ाई लड़ते लड़ते लगभग 50 साल हो चुका है और 42 साल में मेरे कार्यकाल में पहुँच चुका है। मैं उसी सफर के लिए आज बोरई के लिए तैयार ओके जा रहा हूँ। बुढ़ाल पेंता बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा घसिया पे पीना सेवा सेवा घसिया पे पीना सेवा सेवा हरगा दादीना सेवा सेवा हरगा दादीना सेवा। हाँ ठीक ठीक
आप सब घर बैठे आज नाती इस नाती ने घर चला थू नाती सन में घर बैठू चार दिन मिला फिर आज कई साल में घाट में चढ़ा था तोरा खाना पोटार के तोरा घाट में चढ़ावाए और तोरा पोटार के लाना ले जाए तोरा जसने वो कर मान होते उसमें तोर मान हो भाई तोर काम के थोड़ी को मैं तोर काम में काटा नहीं करे बेटा मैं जिंदा हूँ नहीं मरी हूँ मोर बाप खत्म हो गई मोर बारी है 40-42 साल के बाद फिकर बदौलत मोर पुरखा के बदौलत दादा मन के बदौलत आदमी खाट कोई खास जगह आने वाला पीढ़ी पर रास्ता रखा यही हमारी जिम्मेदारी है। यह गांव से कहां जा रहे हो? कुर्सीघाट जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हो? हम यात्रा जा रहे हैं। यात्रा जा रहे हो? यह गांव 50 साल के पहले बने था, उसके बाद बिगड़ चुका था। इसके बाद पहले पुराना सियान लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे तो सामने कोई कर नहीं पाए थे। यहां किसी व्यक्ति कोपरा फैमिली का गायता फैमिली हीरालाल नेताम को मार्गदर्शन मिल गया उसको, तो वो पंचायत में आवेदन लगाया। आवेदन लगाने के बाद समिति गठन किए, 5 कुल से समिति गठन किए थे सचिव अध्यक्ष, उसमें पर भी वो लोग समिति भार को गणेश मरकाम और शंकर मंडावी को सौंप दिए। तो हम यात्रा जाते हैं, कितने भी भार को बोह के लेते हैं, ज़्यादा वजन हो जाने से अधिक कांवड़ को इधर उधर पलटाते समय खसल जा ना टूट जाए, इसके आगे पीछे का जिम्मेदारी गायता फैमिली थोड़े रहने के कष्ट करे। जय पीलापाट बाबा की जय, रकसिन आया ना जय, जिम्मेदारी आया ना जय।
पुढ़ाल पेंता सेवा सेवा पुढ़ाल पेंता सेवा सेवा रकसी नहीं आया ना सेवा सेवा रकसी नहीं आया ना सेवा सेवा दंते श्री माईता सेवा सेवा दंते श्री माईता सेवा सेवा कारी पत्राना सेवा सेवा कारी पत्र आया ना सेवा सेवा विधवाड़ा तुर भूमि आरला सेवा सेवा तगदू नावा दहाले सबकुन जय जोहार जोहार घोड़े घाटमता पग यात्रा ते लंबी अरसे दिन त परे नेंड सफाराम ता अमम सबसे आशीर्वाद तलकला तुम मावा काम नेंड सफल वाई वायन पीड़ित का सदा दिन का बदे माई इदे नावा वाणियान इगा विराम किसी मम अपना रास्ता दिन तय किसी पोहड़े माई। क्या है? मेरा नाम मनसा राम नेता, मैं लिहा गांव का हूँ। तो आप लोग लिहा गांव से अभी कहाँ जा रहे हो? हम लोग लिहा गांव से बोरई खुर्सी घाट में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हो? हाँ, हर साल यहाँ से रवानगी जाता है बोरई घाट के लिए। डोंगर का नरसिंह नाथ का लड़का नांग सुरजा पीलापाट है, तो इसके द्वारा वहाँ खुर्सी घाट का कोई कार्य नहीं होता था, इसलिए हम अपने अधिकार के लिए हम लोग खुर्सी घाट में गए और इसके बारे में बात रखे और वहाँ के माई जी भी बोले कि उसके आए बिना यहाँ का कार्य नहीं होगा। इसलिए आज हम पूरे ग्रामवासी और सभी परिवार के फैमिली मतलब सब एकजुटता होकर हम लोग बोरई घाट में आज बाजा गाजा के साथ बहुत धूमधाम से जा रहे हैं। ये हमारा नरसिंह नाथ का बड़ा लड़का है, इसको लेके हम पूरे गांव के जा रहे हैं खुर्सी घाट यात्रा। कितने गांव के जा रहे हो? यहाँ लिहा गांव, आम गांव, हम लोग दोनों गांव के जा रहे हैं। कौन सा परिवार से हो? हम लोग नेताम परिवार के हैं, बाकी यहाँ सब भाई भाई हैं। मांझी परिवार का भाई है और हम लोग ठाकुर परिवार के भाई हैं और कमरा फैमिली के हैं और गायता परिवार के हैं। सब हम भाई एक साथ एक राय मसूरे से एकजुट होके हम लोग जा रहे हैं। त्वारी भी है। फाइनली पहुंच गए हैं, देख सकते हो अभी कुर्सी घाटी में। प्रफुल चंद मरकाम, क्षेत्रीय ठाकुर, ग्राम तेल बोराई। आज ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये यात्रा मंगाराम माई का होता है, जो भादो माह में होता है।
और इसी पर्व को पूरा क्षेत्र के व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ दिशा कोश बस्तर सात पाली उड़ीसा और 14 परगना सिहावा क्षेत्र के देवी देवता शिरकत करते हैं, जहाँ पर गादी माई जो देवता अपने जवाब नहीं दे सकते उनको अपने अदालत में बंद करके रखता है। जब वो स्वच्छ होता है तब उसे इस जगह से अपने आदमियों के साथ आकर पुनः चला जाता है। ये एक ऐसे परंपरा यात्रा है जिसमें क्षेत्रीयता और इसी क्षेत्र से ही पूरा पूर्वजों की देखभाल भी होता है और क्षेत्र में इसका मान्यता के अनुसार ही देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। साथ ही ये बहुत ही बड़ा भंगाराम माई है जो इसका अधिकार मेघाघाट तक है और साथ साथ ये माँ दंतेश्वरी जगदलपुर में दशहरा के लिए भी शिरकत होती है, जो कि बहुत ही आधुनिकता के दृष्टि से वो बहुत ही कम जाने का सोच विचार रखते हैं, लेकिन परंपरा तो है, उसको निभाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, साथ ही साथ उस कार्य को करना भी पड़ेगा। मेरा नाम घसेराम नेताम है, ग्राम आमगांव और बोराई घाट का एक पाली गांव है। एक दुख के साथ आज मीडिया वालों के सामने मुझे बोलना पड़ रहा है, ये आज से नहीं सदियों से मेरी परंपरा है। कुछ कारणवश लगभग 40-42 साल हो चुका नहीं आ पाए मेरे परिवार, उस चीज़ को मैं डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन सौभाग्य है यहाँ का भंगाराम भाई ने पुनः उस चीज़ को जीवित करने के लिए ग्राम आमगांव प्लस लिहा गांव को पुनः न्योता दिया गया है। इसीलिए मैं मेरे इष्ट देवता को लेकर आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि भंगाराम माई का एक बाएं हाथ है। कुछ कारणवश कुछ त्रुटियाँ के चलते बीच में जो कटाक्ष हुआ था, आज मेरा एक सौभाग्य है मामा श्री प्रफुल्ल चंद्र समर्थ के सामने मैं यही आशा के साथ एक अपेक्षा लेके आया हूँ इस काम को सही ढंग से सफल कर दें सदैव, ताकि वो आने वाला पीढ़ी के लिए समरसता बन सके और हमारा इतिहास सुरक्षित रहे। मैं इतने ही कहकर मेरा वाणी विराम देता हूँ। लिहा गांव का मूल निवासी हूँ। आज जो बोराई घाट जो आदि अनादि काल से परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ वर्ष में एक बार जो देवियों का जो परीक्षा इस घाट में होता है और यहाँ अभी जो भी पूरे क्षेत्र के देवी देवता जो यहाँ सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर अभी यहाँ के पुजारी जो बताए कि यहाँ पर देवियों का परीक्षा होता है, जो जवाब नहीं दे पाते उन देवी देवताओं को तो कैद करके यहाँ के जो भंगाराम माई है रखती है। ये जो परंपरा जो निरंतर चलते आ रही है और ये बहुत ही एक अच्छा जो देवताओं को सही और गलत का पहचान यहाँ होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज मैं हमारे लिहा गांव से 40 वर्ष के बाद यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला है। इससे पहले भी हमारे पूर्वज यहाँ पर आते थे और उस चीज़ को हम लोगों को बताते थे, लेकिन किसी कारणवश जो हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज हम पूरे लिहा गांव और आम गांव के सभी भाइयों के द्वारा यहाँ पर भंगाराम माई के यहाँ आके सम्मिलित हुए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो इच्छा है, मनोकामना है और जो पूर्वज से जो परंपरा लिहा गांव और के साथ चलती आ रही उसको भलीभांति निरंतर चलते रहे।
जवाब नहीं दे सकता कैसे है जानकारी नहीं दे सकता नगर वाली
देख दुका
भारत नहीं 11-12 के मैं भी देखे रहे हूँ नवल गल नवी बनाई दिन में एक से साक्षी मन मन चंदा ले लेके जाना हां चंदा ये हुई से बस्तर में बस्तर कहां हुई से पारी पारी से ना ये ये नया खाई व्यापारी छुट्टी कट नहीं नहीं छुट्टी नहीं एक छीक है एक छीक एक छीक है ठीक है ऐसे बस्तर में पूर्णतः बंद करते हमार दहा ये अच्छी करते ये रहा काबर की ये हमार सही थोड़ा सा बट नहीं जातेगा तो भाई सरप ले खाते हैं अब ऐसा नहीं साक्षी समझे बस्तर में ऐसा नहीं कि मतलब दो दिन मत चल ही मतलब दो दिन एक छुट्टी कलेक्टर खुद घोषित कर देते हैं अभी फिनिश करेंगे ना हम पहले ऐसा नहीं पहले वहां बटेंडा में खाया करते थे उसके बाद में क्रमबद्ध नौवीं तक क्या जाता है हां और क्या है नया खाए चलो आज हम नया खाए ना आज मोर ससुर घर आई थी वहाँ जाया जा मतलब ऐसा तालमेल करके चला करते अभी जो सामाजिक जो व्यवस्था किए है ना वो भी है ज्यादा दिन की बात नहीं है ज्यादा नहीं एक रूपता लाने के लिए नहीं तो पहले पहले भी इधर भी आप बुढ़ा पहले खाए सबले पहले उगर बाद जो है बुरा ही खाए तो एक ये है समझे ना कहीं ना कहीं समाज को संगठित करके करने के लिए एक रूपता लाने के लिए ताकि समाज जो है ना तीतर बितर ना हो ऐसे टाइप की बात है नहीं तो अलग अलग दिन नवा खाना चालू चली से हर गांव में अलग अलग अब मुर गया तो वही ज्यादा अच्छा रही समरसता ज्यादा उम्मीद दिखी तो ऊपर घर सगा जाते फिर वो नहीं तो फिर चला ही नहीं भाई आज आज फलाने जगह अरे वहां आसान आसान है मैं जाता हूं ना कौन कहां भोजन बो के जाते मामा कार्यक्रम में जाते मोटरसाइकिल में भाई भाई भागे लेंगे ला खत्म कर दे कौन कका है कौन बाबा है तो दुनिया तो बड़ा नहीं है गिरते मरते हैं ना है का यही देखने को मिलता है अक्सर सही बात पारी होना चाहिए जबकि एक दिन नया खाई लेकर था नहीं हाँ। हाँ। पठान मन की तो हर तिहार पर छुट्टी हर तिहार पर आरक्षण सामने ऐसे नहीं मोदी ले भारी फर्क पड़ी है पढ़ना चाहिए पर कहा उसमें भी तो बड़ा तकलीफ हो गया एक टुक आपका क्रीमी लेयर वापस लिया है ऊपर की करण तो वो छोड़ दिया इसी दस दस का दस वो तो अब मरे टाल दे वाला ये में सीधा सीधा फर्क पड़ी 42 प्रकार के जनजाति में जो उच्च है ना जैसा हलवा मन है हाँ। ए पूरा साफ हाँ। तो रोकर बाद ये हमर दा ध्रुव गुण है ये मन थोड़ा सा उच्च हो गए हाँ। ये वर्गीकरण ऊपर पर बना है हाँ। ताकि ये मन बटे हाँ। एक मत हो के हाँ। नहीं ये बहुत बड़ा गेम हाँ। गेम खुला गेम, हाँ। गेम, गेम खेली से ना अब भाई सत्ता भी तोर सरकार भी तोर कोर्ट भी तोर सब चीज तोर औते ते काय कथे फैसला भी उलझुल देवात है नी फैसला उसने दी अब हमन आस्था संविधान पे रखने वाला लोगन आस्था संविधान पे ये संविधान में ना आस्था उठा दी कि संविधान के प्रति भरोसा उठा दी कैसे भरोसा गलत सलत फैसला दे अब क्रीमी लेयर एक अलग पॉलिसी अब उपवर्गीकरण भाई क्रीमी लेयर चलो ठीक क्रीमी लेयर का एक बार मान लेते लेकिन आप उपवर्गीकरण को साइलेंट क्यों रखे अब संसद में आप अध्यादेश लाए अभी तो कम से कम दोनों को हटाना चाहिए था हाँ। अब क्रीमी लेयर को क्यों हटा ये ला कोई नहीं जाना है फिर कब तो ये दाव तो, ये बोला छोड़ी ना वो ऊपर की करल नहीं करिए फिर रोड में आप हाँ। अब हमारे काम हुई है सनला रोड में हुई अब जब तक ये नहीं हुई ना तब तक आयला पड़ी हमला आओ फिर आई चे देखत रहे जब तक हमारी जनगणना है गलत कर रहे हैं जनगणना भी वही तो है ना हां और हमार धर्म ला हिंदू लिखा है काय भाषा बोलते हैं वा हिंदी बोलते है नहीं तो भाई हम कौन अंत हमार भाषा भी गोरिया ना रही से भले जानन चाहे मत जानन हम कौन अंत तो भाषा काय गोरी है एक काम एक काम किया जाए बात तो बहुत लंबा चली ये करी समझे ना समय की होगी अब कल हमला ये करवाना है समझे ना बाल बांधना है और खाबो नया हुई 12-13 तारीख के जब भी पड़े नहीं
अहिले ये करण स्थगित करण, क्योंकि हमला यहाँ से विसर्जन भी होना है और जलना भी है। अब अभी बैठने उठने का समय बहुत है। जब खबर करे तब आलो जब जाके रास्ते में जैसे निखन कहा Thank you.
टीवी बजाओ कौन कौन चाउट ला दे नाम पर तरंग पड़ते नहीं सी जिसको जैसे खेलत को जाता है एक वो गाड़ी मारा हाँ अज्जे वेखर लेकिन मोर बोट लगा सुन का नहीं अज्जे वेखर भाई थला कहीं सवाल नहीं दे तो आप मोर आलो नहीं आलो कहीं मत अज्जे वेखर कौन तो राण में जाए आज बीड़ा पतरंगा कई ठल चाहे हाँ भाई सब लगे से लात मार के आज पता नहीं खुद नहीं नशत पार प्रकार के छड़ी रहू सब लसकल के नहीं जैसे आज गवाटिया का हाथ लग गए आज जब वे घरे जैसन भोग गाड़ो का हाथ लग गए आज भाई भाई चली चला हो था जैसन आज साल भर के कीर्ति आज जैसन एक राण में जैसन खेले हैं जैसन कई प्रकार के जैसन खून किया हुआ था जैसन एक पहली यहाँ पावन तुम्हारा है का सरदार साजी भलाई यहाँ यार जैसन आज आज 40 साल के बिछाड़ो का सब ला काट बे क्षमा कर बे तब हम मान गो आज 40 साल के छोड़ लो सका गलाई से खोजे खोजे का सरकार सास जब दिन ले बोला 15 दिन ले बोला जब तो लगा सुरता नहीं है तेल डाल के सोता रात एक छाप रखा था बड़ बड़ा था सब लगता था ले तो आज हो अच्छा आज भट्टी बीतास का ले काई कावड़ हो के लान असर ने काई चल कुमा काई तो चुप होगा होगा जो मैं आज कैसे यार मैं जब एक राग लड़ी धरो तो का फोकट में खाओ ना ना तो ये सुधर चल तन जाने उसने कर ना है नहीं ना गुट का तस कहते हैं अरे भाई चुप का तस याद तो लगे सर भूख लगी सर कहो आज परम मिनी मांगो परम मिनी कहो तो आज होनी की लड़ रहा हूँ सही बात है कुछ तस यार अच्छा ना ठाकुर भाई जाते जान के ताई जाए तो डेरा में आता है अब ताई जान संभालो ना कते कुटा ना देखो का बोलो तो रे है काय ना बोलो का
धन्यवाद तो हरिक मन से सत्तो नो हरिक मन से वो मामा हरि तुम सदा दिन कस बना किम जुग जुग का जुड़े माय तेने मामा पुण्य हो तोमा मामो ने कुल उड़म बड़ा तुरु उड़ल तोमा अरे कटाक्ष मत्ता समरतला ऊपर लिया गया रिश्ता इतना टूट मत ता जोड़े किसी तो की तब मामो वाकई पत्या की तुम की नरती ना तोड़ मरी हां भगाय भगाय क्या बेदाय अरे आवाज सुनिया तब तय कितना भगाय बहुत ही खुशी की बात है। श्री भंगाराम माई का यात्रा दिनांक 31/8/2024 दिन शनिवार को संपन्न हुए। हमने भंगाराम माई के साथ साथ दंतेश्वरी का जो उसका विशाखोश बस्तर सातपाली उड़ीसा और 14 गण परगना सिहवा को निमंत्रण दे वो देवी देवता शिरकत हुए आए और भंगाराम माई की अदालत में अपने जवाब रख करके संपन्न हुए। जो देवी ए नी वो अपना जवाब नहीं दे सके उनको माई ने अलग कर दी बात रखेगा। आज मैं इस विचार से कह रहा हूँ 42 साल हमारे जो पंच इस भंगाराम माई को संभालता था आज हमारे बीच संबंध जुड़ी बहुत खुशी हुई हमला निभाएन चलाइस और हम भी कहतन कि वो बात ला आगे भी चलाए और अपना बुजुर्ग के रीति रिवाज में हमार दादा परदादा चलाते हैं उसने चलाए। मैं तो निजे नत रहे हूँ एकर किस्सा ला लेकिन कहीं सुने रहे हूँ कि समझे ला ओकर सरपंच हुए है ना आधा तोर बंटवारा हुई गला कहाँ है एक हिस्सा ला मैं सुने रहे तेकर से आज मोहल्ला बोलना पड़ी। आज 42 साल छुटे रही से आ जाइस मतलब बहुत खुश हुई। खुश होने के साथ साथ मैं चाहता हूँ जैसे इस साल आइस उसने मोर करके फुलटॉप पहुँचाए वो एक दिन पहले पहुंच के ये जगह में दस्तक दे और काम निभाए इसी भावना और इसी श्रद्धा के साथ मैं आज इस देवी को हमारे पंच को आग्रह निमंत्रण कर रहा हूँ। बोलो बुढ़ाल पन्ना सेवा 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 सेवा
जब एक रास्ता पकड़ के रास्ता में जाए रास्ता आना जाना राखी नाम रकम।